अभी मैंने कैरा का कुछ रूटीन वीडियो शूट किया है। प्रॉपर तो मैंने शूट नहीं किया है, पर मैंने थोड़ा बहुत सा शूट किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह कैरा उठती है एंड उसका रूटीन वर्क कंप्लीट होता है, मतलब ब्रश वगैरह करती है, फ्रेशन अप हो जाती है पहले ही वो। उसके बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ, फिर वो 10-15 मिनट यहाँ पे खेलती है, मैं मेरा दूसरा काम कर लेती हूँ। सुबह सुबह का बहुत सारा काम रहता है तो वो सब मैं कर लेती हूँ। उसी बीच वो अपने दादा दादी के साथ खूब खेल लेती है, इंजॉय कर लेती है। सो के उठते ही मतलब नाश्ता नहीं किया जाता, हम भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं सोचती हूँ वो मतलब 20 मिनट 15 मिनट भी खेल ले तो चलेगा। फिर यहाँ पे खेल के वो आती है, फिर मैंने उसको पोहे खिलाए विद पोमोग्रेनेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है पोमोग्रेनेट पोहे के ऊपर, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पोहे खिलाने के बाद ये तुरंत से पार्सल आ गया था, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग गाँव जाने वाले हैं, तब कुछ कुछ शॉपिंग चल ही रही है, तो मैंने पहले से ही कुछ शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें छोटी आ जाती हैं, तो बस वही है। तो मैंने इसीलिए पहले से ही ऑर्डर कर लिया था। और ये जो गैप का टी शर्ट है, इसमें तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे, पर ठीक है, मेरे पास लास्ट में डिलीवरी अच्छे से हो गई एंड जो चीज़ें हैं वो मुझे अच्छी खासी मिल गई। क्यारा बोल रही मेरा कपड़ा है, तो इसी तरीके से है यार ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो। आप मुझे लगता है अगर आपको कहीं जाना है तो आप 1 महीने से पहले जो है वो शॉपिंग स्टार्ट कर दो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि इन लोग की डिलीवरी डेट भी बहुत टाइम लगाते हैं यार इन लोग, या जियो वाले, फिर फर्स्ट क्राई, इन लोग इतने ज़्यादा 15-15 दिन इन लोग डिलीवरी डेट लिखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने दोपहर को क्यारा को ये खाना खिलाया, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको दूध दे रही हूँ। वो दूध पीने में बहुत नाटक करती है यार, बहुत ज़्यादा, पर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत पीती है तो ठीक, वरना मैं उसको बाकी डेयरी प्रोडक्ट जो है वो खिला देती हूँ, उसको दूध नहीं पसंद। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ, आप इसमें भी देखिएगा मैं लेती ज़रूर हूँ इतना, पर वो खाती एकदम इत्तू सा है, सब उसने छोड़ देती है वो, लास्ट में मुझे खाना पड़ता है। सॉस आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि वो बिना सॉस के उसको दिखना ही चाहिए उसके प्लेट में सॉस, वरना वो नहीं खाती है। तो कुछ इसी तरीके का रूटीन चल रहा है अभी क्यारा का, 2.5 साल की है तो इस तरीके से, यानी 2.5 साल के हिसाब से वो ठीक ठाक खा पी लेती है थोड़ा बहुत, मतलब फोर्स करना पड़ता है पर ठीक ठाक खा लेती है। यहाँ पे उसकी बहन आ गई थी नायरा, तो उसके साथ वो खूब खेल रही थी। फिर बाद में उसको हल्दी वाला रात को मैंने दूध पिला दिया था थोड़ा सा, उसके बाद उसका रूटीन हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।